हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दर्जना गांवों में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा लगाई गई कूड़ेदानों से सांसद के नाम और स्कीम को नहीं मिटाया गया है, जिस कारण कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने दो टूक शब्दों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए चुनाव आयोग को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करेगी। देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का इनका पूरा प्रयास है, कर भी रहे हैं। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको विजिलेंट रहना चाहिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जो कानून के दायरे में जो चुनाव आयोग के नियम हैं उनके मुताबिक जो है जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से करेगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने जिला प्रशासन पर बीजेपी का चहेता बनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बड़सर के कई गांवों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और इससे लगता है कि जिला प्रशासन भी बीजेपी की कठपुतली बनकर उल्लंघन में भागीदार बनी हुई है। देखो, इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है आचार संहिता लगाने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिर्जापुर का वो बीजेपी का कार्यकर्ता बना हुआ है। इनको चाहिए कि वो डस्टबिनों को जहाँ उनका नाम और फोटो लगा है और स्वास्थ्य सेवा की जो एम्बुलेंस चलाई हुई है वो भी चोरी चोरी लोगों के पास जाते हैं उसको अभी तक बंद नहीं किया है। ये आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है और इससे लगता है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भाजपा के साथ जो है वो अंदर खान ने जो वो साठगांठ की है। ठीक है सर, आप क्या मांग क्या करते हैं? इसको जल्दी उठाया जाए और आचार संहिता का जो है उसमें ये किया जाए, अनुपालन किया जाए पूरा। वहीं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश लखनपाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी कूड़ेदान लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की तो जबरन कूड़ेदानों को हटवाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। माननीय सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा क्षेत्र में जगह जगह पर जो डस्टबिन लगाए, कूड़ादान लगाए गए हैं उनके ऊपर उनका चित्र लगा हुआ है और 10 मार्च से पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी वो डस्टबिन जस के तस लगे हुए हैं, जबकि हम पहले भी निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत कर चुके हैं। अगर दो दिन के भीतर इन डस्टबिनों को यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम राज्य निर्वाचन आयोग को भी और जिला में भर में सब जगह शिकायत करेंगे, अन्यथा हम जबरन उनको हटाएंगे यहाँ से। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सांसद अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत करीब 40 पंचायतों में सैकड़ों कूड़ेदान लगवाए हैं, जिन पर सांसद के नाम के अलावा स्कीम का नाम भी अंकित है। लेकिन अब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी इन कूड़ेदानों से चित्र और स्कीम के नाम को नहीं हटाया गया है, जिस कारण कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है।